भाई जी, मिस डेमेलो को आने का टाइम हो गया। एवरीबॉडी रेडी, छपरी जैसे ही आएगा हमको इन्फॉर्म करना। आई होप तुमने डिस्कशन के सारे पॉइंट्स लिख लिए। यस सर। एब्सोल्युटली नाइस, दैट्स राइट। एक्सक्यूज मी वेला। यस सर, जस्ट कमिंग। वेला, सॉरी, आई विल सी यू लेटर। यस सर। कम ऑन वेला, मिस डेमेलो किसी भी वक्त आ सकती है और तुम हो के यहाँ टाइम पास कर रहे हो। सर डोंट वरी, वो अभी नहीं आएंगी सर। वो कभी भी किसी भी जगह टाइम पर नहीं पहुँचती है। लेट आना उनका स्टाइल है सर। रेडी वेला, तुम उनके पीए हो क्या? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैंने नेट पे उनके बारे में रिसर्च की है प्रिया। इनफैक्ट मुझे उनके बारे में सब कुछ पता है, एवरीथिंग। उनकी लाइक्स, डिसलाइक्स, यू नो, मिसाल के तौर पर उन्हें ब्लैक कॉफी बहुत पसंद है विद नो शुगर एंड नो क्रीम। ब्लू उनका फेवरेट कलर है और मेरे जैसे हैंडसम लोग जब उनसे बात करते हैं तो वो बहुत खुश हो जाती। वाह भाई वाह, मिस डेमेलो के बारे में तुम्हारी रिसर्च काफी अच्छी। चलो, जिंदगी में पहली बार ही सही तुमने कोई काम ढंग का तो किया। थैंक यू सो मच। अरे हटो ना, आप काम नहीं करती। विकी, क्या है ये, कार है, दे दे तो। नहीं वो मैं एक्चुअली, तुमसे कुछ बोलो ही मत। तुम्हें पता है ना कि हमें किसी भी हालत में मिस डेमेलो को इम्प्रेस करना है। तुम तो इम्प्रेस करने में मास्टर हो, तो ये पूरी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। क्योंकि वेला, हमें मिस डेमेलो को इम्प्रेस करना है, डिप्रेस नहीं। Absolutely right, प्रिया। Since विकी तुम हमारे प्रिया एयरलाइंस के सबसे काबिल पायलट हो, तो ये जिम्मेदारी भी तुम्हारी। Don't worry sir, मैं मिस डेमेलो को इम्प्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। After all ये हमारी कंपनी के फ्यूचर का सवाल है। That's right, प्रिया, shall we? Yes sir. मेरी जिम्मेदारी है कंपनी के फ्यूचर का सवाल है। क्या क्या हमेशा तू हीरो बनेगा? हम भी हैं। क्या बात, क्या है भाई, आज बड़ा महक रहा है। नाइस ना, परफ्यूम की पूरी बॉटल खाली कर दी क्या? बोल ना, किसे इंप्रेस करेगा? तेरी जिया जो सोचा वो किया, वो तो आज आने वाली नहीं है, फिर कौन है? आई नो यार, वो मेरी कैटरीना कैफ जैसी जिया तो उस देसी बॉय के गम में एकदम मीना कुमारी हो गई रे। जिया ना, किधर? क्या बताऊं तुझे यार, तू तो जानता है कि जिया मेरा पहला प्यार है, पहला नशा है, पहला खुमार है। आई मीन इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यार जिया के सहारे आखिर कब तक जिया जा सकता है? आई मीन वन शुड मूव ऑन इन लाइफ, यू नो, आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं मिस डेमेलो को इंप्रेस करूंगा, वो अगर खुश हो गई ना तो अपनी लाइफ सेट है भाई। ए वेला, ये ख्याली पुलाव बनाना बंद कर दे और मिस डेमेलो को वेलकम करने पे ध्यान दे, समझा? अच्छा है ना? इज इट मोगरा? मोगरा ब्लडी डाउन मार्केट, चमेली है भाई, चमेली। अरे समझता नहीं है यार। चीनी, आप तुझे दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। सोच कि तू ऐसा क्या करेगी जिससे तू अपने जूजू के साथ रह सकती है पूरे दिन, वो भी बिना किसी को पता चले। भूल मत, तूने जूजू से शर्त लगाई है, अब इज्जत का सवाल है, पीछे नहीं हट सकती। एक काम करती हूँ, दीदी से जाके हेल्प लेती हूँ। जाके मस्का मारना पड़ेगा। जीनू जाए यहाँ से, मुझे तन्हा रहने दे। देसी बॉय की याद आ रही है? भूली हुई यादों, मुझे इतना न सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ। मेरी दीदू तो एकदम ट्रेजेडी क्वीन हो गई है, और दूसरी तरफ वो देसी बॉय मेरे मासूम सी दीदू के नन्हे से दिल की मोमबत्ती को फड़फड़ाते हुए छोड़ के चला गया। काश ऐसा होता कि उस देसी बॉय का कोई हम शक्ल मुझे मिल जाता, उसे मैं लाके दीदू के सामने खड़ा कर देती और दीदू मीना कुमारी से माधुरी दीक्षित बन जाती। अरे वाह, ये तो आइडिया मिल गया। अगर मैं फुल अकल हम शक्ल वाला जादू चला दूं
तो मैं मिस डिमेलो की जगह ऑफिस में पहुंच सकती हूँ और जूजू के साथ पूरा दिन बिता सकती हूँ, वो भी बिना किसी के शक हुए। दीदू, थैंक यू। दीदू, आप ना सच में बहुत अच्छी हो, आपने मेरी हेल्प ना करके भी हेल्प कर दी। थैंक यू। मैंने हेल्प कर दी? चलो अब मैं फुल अक्ल हम शक्ल जादू करती हूँ। खबरू, बिन बुलाए मेहमान जब देखो तो मुंह उठा के आ जाते हो। मैंने बुलाया क्या तुम्हें? हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम फिर किसी मुसीबत में फंसने वाली हो और बाद में मुझे ही बुलाओगी, इसलिए इस बार मैं पहले ही आ गया। हो गया, अब जाओ यहाँ से। देखो मैं बहुत बिजी हूँ, ओके? तुम बिजी ना हो इसलिए तुम्हें सावधान करने आया हूँ कि फुल अकल हम शकल वाला जादू जो तुम चलाने का सोच रही हो उसे भूल जाओ, क्योंकि आज पृथ्वी लोक पे पूर्णिमा है जब पूरा चांद निकलता है और जिन लैंड में अमावस्या मतलब गुप्त अंधेरा, तो ये कि पृथ्वी लोक और जिन लैंड के सितारे आपस में आज मिल नहीं रहे हैं, और जब जब ऐसा होता है तब तब किसी भी जिनी और जिन को ये हूबहू जादू इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अगर किया तो तुम्हारी सारी शक्ति उसी तरह खत्म हो जाएगी जैसे एक फोन की बैटरी खत्म हो जाती है, इसलिए सावधान। खबरू भी ना कुछ भी बोलता है, अगर फोन की बैटरी चली गई हो तो उसे दोबारा चार्ज भी तो किया जा सकता है। जो भी है, मुझे तो अपने जूजू के साथ रहना है और ये जादू तो मैं करके रहूंगी। मैं बनूंगी मिस डिमेलो। पहले देखो तो सही कि मिस डिमेलो दिखती कैसी है। मिस डिमेलो। ऐसी दिखती है। मिस डिमेलो, जूजू, आपकी मिस डिमेलो आ रही है। अब आएगा मजा, जीनी बन गई मिस डिमेलो। थैंक्स फॉर योर हेल्प। मिस डिमेलो आपकी। Oh, that's nice. Welcome, Mr. Mello. Welcome. Welcome to Priya Airlines. Myself, Pratap Seth. That's Dr. Doctor. Hello, Mr. Mello. Welcome to Priya Airlines. That's my beautiful daughter, Priya. Hello. आपके बारे में जितना सुना है आप तो उससे भी कहीं ज्यादा प्रिटी है। Thank you so much. और ये मेरी तरफ से एक छोटा सा लेकिन नायाब सा तोहफा सिर्फ आपके लिए। By the way, I'm Vela. नाम तो सुना ही होगा आपने। जीविया, अपनी पोल पट्टी खुलवा के रहेगी तू। ला 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 वेला ला वेला। अच्छा नाम है। मैं भी बहुत अच्छा हूँ जी। डॉक्टर डॉक्टर विक्की का इज देयर। ओह मिस डिमेलो, प्लीज यहाँ चले। आई लव टू इंट्रोड्यूस यू टू समबडी वेरी स्पेशल। इनसे मिलिए। ये हमारी प्रिया एयरलाइंस के सबसे होनहार पायलट कैप्टन विकी। कैप्टन विकी, राइट?
अरे वाह, कमाल है मिस डिमेलो, आपको कैसे पता कि ये कैप्टन विकी है? वो एक्चुअली मैंने यहाँ आने से पहले आपके एयरलाइंस के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। आपके और मेरे ख्याल कितने मिलते जुलते हैं। आपके यहाँ आने से पहले मैंने भी आपके बारे में सारे डिटेल्स पढ़ लिए थे। वैसे मैंने इनके बारे में ये सुना है कि ये आपके एयरलाइंस के सबसे अच्छे कैप्टन हैं। और जब कोई इनकी तारीफ करता है तब ये शर्मा के थैंक यू बोलते हैं, है ना मिस्टर विकी? जी हाँ, थैंक यू। दरअसल मैं प्रिया एयरलाइंस की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। मुझे भी अपना स्वागत आपसे करवा के बहुत खुशी हुई। मिस्टर मेलो, आइए ना मैं आपको कॉन्फ्रेंस रूम में ले चलती हूँ। मुन्नी? नहीं, मेरा नाम प्रिया है। Oh, I'm so sorry. वो एक्चुअली मेरी एक पर्सनल असिस्टेंट है, मुन्नी। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है और मेरे सारे पर्सनल काम करती है। तो तुम मेरा एक पर्सनल काम करोगी, इफ यू डोंट माइंड? या श्योर। वो बाहर मेरी कार में ना मेरा छोटा सा डॉगी है, वो फिलहाल सो रहा होगा, उसे तुम प्यार से उठाना और सर गार्डन में वॉक करा के ले आओ। वो क्या है ना, उसकी वॉक का टाइम हो गया है। तब तक मैं मिस्टर विक्की के साथ कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना चाहती हूँ। अरे तुम गई नहीं मुन्नी? हाँ बस चाय रही हूँ। एनीवेज आई लव पपीज। गुड, तो चले मिस्टर विक्की आपके केबिन में। कमाल है, इसने इतनी रिसर्च कर ली कि इसको मेरा केबिन भी सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। यार प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज प्लीज प्लीज। एक्सक्यूज मी सर। क्या मतलब डॉक्टर? डॉक्टर तुम कुछ कहना चाहते हो? एज अ साइकियाट्रिस्ट मेरा मानना है कि जो लोग सबसे ज्यादा अमीर होते हैं ना, उनके थोड़े खिसके हुए होते हैं। देखा नहीं प्रिया डिक के साथ कैसे बात कर रही थी? You're right, doctor, doctor. पर अब क्या करें? हमारी कंपनी को उनका सपोर्ट बहुत जरूरी है। And you know, बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। Of course. After all, एक ही दिन की तो बात है। चले। आइए आइए। Please sit, please sit. बड़ी अच्छी है, शिलोंग ना? नो 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 नो, इट्स फ्रॉम दार्जिलिंग, दालचीनी फ्लेवर। एक्चुअली क्या ना कि आई लव दालचीनी। मजाक नहीं विकी, इट्स बिजनेस, बिजनेस। अच्छा, आई वाज जस्ट किडिंग। बाय द वे, आपको कैसे पता कि मैं कौन सा परफ्यूम यूज करता हूँ? हमें तो बहुत कुछ है। धीरे धीरे देखो, तुम्हें भी क्या क्या पता चलता है। क्या पता चलेगा मुझे? इसको मेरा नाम, मेरा कैबिन, मेरे परफ्यूम का ब्रांड, सब कुछ पता है यार। अरे कोई कितनी भी रिसर्च कर ले, लेकिन परफ्यूम के ब्रांड का नाम पता होना नॉट पॉसिबल यार। बिजनेस, बिजनेस, समझा? अच्छा, I was just kidding, you know, kidding. Actually, मैं सबसे पहले आपको प्रिया एयरलाइंस का फिगर बताना चाहता हूँ। फिगर? वो बताने की चीज थोड़ी है, वो तो देखने की चीज है। मेरा फिगर कैसा लगा तुम्हें? अच्छा। नहीं, 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 नहीं? नहीं। क्यों? अच्छा नहीं लगा?
नहीं नहीं, मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा। अच्छा लगा, ऐसा भी तो नहीं कहा ना। किडिंग। एक्चुअली क्या ना, मैं आपको हमारी कंपनी का टर्नओवर। ओवर, दिस कॉन्वर्सेशन इज ओवर। मुझे ये कंपनी से ज्यादा उसके पायलट में इंटरेस्ट है। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ ना, हम बने, तुम बने एक दूजे के लिए। I don't know what to say. देखिए, ये जो कर रही है आप, ये बिल्कुल सही नहीं है। यही एकदम सही बात है, क्योंकि हम दोनों मेड फॉर ईच अदर ही तो है। अरे मैं उस बात की बात नहीं कर रहा हूँ धर्मा, बल्कि मैं उस बात की बात करना चाहता हूँ जिस बात की बात करने के लिए आप हमारे केबिन में आइए। ओहो जूजू, जब आप ऐसे बात करते हो तो कितने क्यूट लगते हो। शट अप जीनी। जीनी। ये क्या, तुम मिस डेवलपर की यहाँ ही हो? क्योंकि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। मतलब ये कि आप अपनी शर्त भूल गए। कहा था ना, पूरा दिन आपके साथ बिता के दिखाऊंगी और किसी को शक भी नहीं होगा। बताई जीजू, मैंने फुल अकल हम शक्ल जादू किया और मैं शर्त जीत गई। अरे ओ कमकल, तुम समझ नहीं रही हो तुमने क्या किया है। तुम जानती हो, तुम्हारी इस हरकत की वजह से प्रिया एयरलाइंस, मैं, हम सब कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। मुसीबत होने लगता, कोई आ गया है। जीनी जल्दी से मिस डेमेलो बन जाओ, जल्दी चलो चलो चलो। जूजू तो दरवाजा खोलो। हाँ खोल रहा हूँ, खोलो खोलो। दरवाजा अंदर से बंद क्यों किया हुआ था? मैं कुछ ढूंढ रहा था। बहुत ढूंढने लगा तू आजकल, प्रिया को पता है इतना ढूंढता है। मिस डेमेलो, देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। एक्चुअली मैंने रिसर्च की थी कि आपने बचपन में कई साल गोवा में गुजारे हैं और आपको फ्रूट्स बहुत पसंद है, तो ये दीजिए आपके लिए एक ताजा टूटा हुआ नारियल विथ टू स्ट्रॉज, वन फॉर यू वन फॉर मी। हाउ इज इट? मिला या मिला या मिला मिला, जो तू सोच रहा है ना, ये वो नहीं है। और ये जो है ना, वो तू सोच ही नहीं सकता। सच कह रहा है मेरे दोस्त, मैंने तो सोचा था कि इतनी रिच, ब्यूटीफुल और एलिगेंट लड़की बहुत ही रूड होगी, एकदम पत्थर दिल, लेकिन ये तो एकदम मोमबत्ती है जलती हुई। मैं तो ऑलमोस्ट पिघल गया। अच्छा मिस मोम बत्ती बत्ती चुका है। आप अपना तारुफ खुद करवाओगी या मैं इसके दिमाग की बत्ती जला दूं? अबे अबे विक्की, मुझे लगता है कि मिस डेमेलो गोवा से नहीं बल्कि जिनलैंड से आई हैं। मुझे तो लगता है ये मिस डेमेलो भी कोई जीनी है यार। आर यू? गलत कहा, मिस डेमेलो जीनी नहीं है बल्कि जीनी ही मिस डेमेलो है। तुम वो क्या है यार, एक बार फिर से मेरे सारे सपने, मेरी उम्मीदें, मेरी सारी प्लानिंग में पानी भर गया यार, चकनाचूर हो गए। क्या यार जीनी, तुम समझ नहीं रही हो, तुम ये जो कुछ भी करी हो ना, इसके वजह से प्रिया एयरलाइन। क्या वजह? फोन बेबे का होगा। देखा, चुप रहो, तुमको कैसे पता? या बेबे, हेलो विकी, तुम बेला को लेके अभी के अभी डैड के केबिन में आ जाओ। अच्छा तुम बेबे। ओके हाँ ओके। अच्छा सुनो सुनो मेरी बात सुनो, तुम क्या बन के आई थी? मिस डेमेलो। हाँ मशमेलो, मेरा मतलब डेमेलो, डेमेलो, जल्दी से बचो। ओके। एक मिनट 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 मिनट, ये ऑफिस है ना, ऑफिस में तुम क्या बनती हो? जीनू, प्रिया में। जीनू जीनू, जल्दी से जीनू बजो। ओके। एक मिनट 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 मिनट, नहीं नहीं जीनू मत बनो, तुम जो हो वही रहो और यही रहो, ठीक है? मैं चलता हूँ। एक मिनट 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 मिनट, एक मिनट मिनट। आप क्या? नहीं यार ये ही रो, प्लीज रो, ये चलना तो यार। मुझे भी बुलाएगा तो बोलता क्यों नहीं है? बाय बाय। अबे जूजी के साथ पूरे दिन रहूंगी यहाँ पे। फॉर मोर अपडेट्स
subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.